नमस्कार, मैं मोनिका राणा, ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ने बाली चौकी को सौंपी 2.26 करोड़ की सौगातें, विकास कार्यों का भी लिया जायजा। नेशनल हाईवे पर ट्रक कार में टक्कर, एक की मौत, 5 घायल, पीजीआई रेफर। मुबारकपुर में माल ढुलाई को लेकर 2 यूनियनों में चली लाठिया, किसी का सिर फूटा, किसी की टांग। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा, टला पर्यटकों से भारी ट्रैवलर हादसे का शिकार। मनाली में पंजाब के पर्यटकों की दादागिरी, 20 सड़क गाड़ी रोक, लहराई तलवारें, 4 गिरफ्तार। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपा पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का अस्थि कलश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश का कहर, सेंज के जौली नाले में आई बाढ़, घरों में घुसा मलबा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ने बाली चौकी को सौंपी 2.26 करोड़ की सौगातें, विकास कार्यों का भी लिया जायजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को बाली चौकी का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाली चौकी में 2.26 करोड़ की लागत विकास परियोजनाएं जनता को सौंपी। उन्होंने 1.16 करोड़ रुपए से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाली चौकी के भवन और 1.10 करोड़ रुपए से लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एवं उप कोषाधिकारी कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। नेशनल हाईवे पर ट्रक कार में टक्कर, एक की मौत, 5 घायल, पीजीआई रेफर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बलद्वाड़ा के पलासी में ट्रक और कार की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। यह हादसा गुरुवार सुबह बलद्वाड़ा बाजार से मात्र 2 किलोमीटर दूर पलासी पुल के पास हुआ। गुवारबी सरकाघाट नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में खुडला पंचायत निवासी 60 वर्षीय प्रेम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खुडला के ही अन्य 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रक जाहू से पलासी की ओर आ रहा था और कार घुमारवी की तरफ से जा रही थी, जिसमें 6 लोग सवार थे। सभी लोग खुडला पंचायत के गांव खुडला के रहने वाले हैं। घायलों में सुमित कुमार, सुषमा देवी, अभिषेक और 2 बच्चे प्रियांशु और रूजल शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय तथा बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्रों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। सरकार के इस निर्णय से तकनीकी विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में बहुत दुख है तथा सभी का कहना है कि यह फैसला एक भेदभाव प्रकट करता है। अब आप बताएं कि आज आप स्ट्राइक पे क्यों हैं? सर, मेरा नाम स्नेहा, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक हमीरपुर की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड। सर, आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है HPU को प्रमोट किया गया है, HPTU वालों के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम का ऑर्डर आ गया है, तो HPTSP वालों के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या HPTSP वाले बच्चे नहीं है? क्या उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है? आप क्या चाहते हैं कि आपका? सर, हम चाहते हैं कि हमें प्रमोशन मिले जैसे सभी को मिली थी, क्योंकि ना सर HPTSP में मैक्सिमम बच्चे 10th करके आते हैं, जिनकी एज 18 बिलो है, उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है। सभी को पता है कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी होता है, एक बच्चे को एक से दूसरे को होगा, दूसरे से तीसरे को होगा, इसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हमने बहुत सारे मंत्रियों से भी बात की, उनको हम एप्लीकेशन दे के आए, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है कहाँ आपकी सुनवाई होगी? सर, अब सुनवाई सर हमने ना राज्य सभी को दिया, हमने शिक्षा मंत्री से बात की और हेल्थ मिनिस्टर से बात करते हैं, सीएम से हमने बात की, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। आपकी मांग पूरी तब कह रही हैं आप? सर, हमारी मांगे पूरी होंगी तो हम, सर देखो ना सीधी बात है, अगर क्यों नहीं कर रहे हैं वो हमारी मांगे पूरी, उनको करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स उतरेंगे, स्ट्राइक पे उतरेंगे, एक और आज एक उतरे, कल दूसरा उतरेगा, तीसरा उतरेगा। हम चाहते हैं कि शांति से हो जाए, वरना ये तो आंदोलन है, बहुत बिजार रूप लेगा। हाँ जी सर, हम उनसे भी मिलेंगे, हम उन्हें भी अपील करेंगे कि हमारी बात आगे रखी जाए। विद्यार्थियों का कहना है कि अगर एक विद्यार्थी भी संक्रमित होता है तो उससे और भी बच्चों को खतरा होगा। इसकी जिम्मेदारी अगर सरकार लेती है और विद्यार्थियों को लिखित में देती है तो वो एग्जाम देने को तैयार है। किसी भी बच्चे को कुछ भी होता है तो ना उसकी तो जिम्मेदारी सरकार लेगी। अगर सरकार जिम्मेदारी लेती है कि किसी बच्चे को कुछ होता है, हम जिम्मेदार हैं, तो हम बच्चे सारे पेपर देंगे,
हमें रिटर्न चाहिए, रिटर्न नोटिस दे हमें, सरकार दे हमें लिख के, जयराम सरकार हमें लिख के दे। शक्ति जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 मांगे तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मांगे तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भीख मांगते। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा टला, पर्यटकों से भरे ट्रैवलर हादसे का शिकार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा टला, पर्यटकों से भरे ट्रैवलर हादसे का शिकार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ऊंट बंजार सेंज हाईवे 305 स्थित सोजा के जलौड़ के पास पर्यटकों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरने से बच गई। हादसा तब हुआ जब गुड़गांव के 10 पर्यटक जलौड़ी दर्रा से बंजार की तरफ आ रहे थे। इस दौरान जब वो जीबी वापस आ रहे थे तो गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, गाड़ी सड़क से नीचे लुढ़कने से बच गई और सभी पर्यटक सुरक्षित है। हादसे में चालक घायल हुआ है जो बंजार अस्पताल में भर्ती है। मनाली में पंजाब के पर्यटकों की दादागिरी, 20 सड़क गाड़ी रोक, लहराई तलवारें, 4 गिरफ्तार। पर्यटन नगरी मनाली में बुधवार देर रात पंजाब के पर्यटकों ने 20 सड़क पर तलवारें लहरा दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 सैलानियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। वही रात के समय 20 सड़क पर तलवारें लहरा कर ट्रैफिक रोकने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। हुआ यूं कि हरीश कुमार रात के समय बस स्टैंड मनाली से आ रहा था कि BBMB रेस्ट हाउस के पास पंजाब नंबर की एक कार ओवरटेक कर सड़क के बीचों बीच खड़ी होगी, जिसे लंबा जाम लग गया। जब उसने कार को किनारे लगाने के लिए कहा तो 4 लोग तलवार लेकर बाहर आ गए और वहां खड़े लोगों से मारपीट करने लगे। SP कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि मामलों में संगरूर जिला के 4 लोगों रविंद्र, दलवीर, अमनदीप और जसराज को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपा पूर्व CM स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का अस्थि कलश। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर पूर्व रामपुर से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का अस्थि कलश लेकर गुरुवार को शिमला पहुंचे। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत सिंह भी थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के सभी 72 ब्लॉक अध्यक्षों को यह अस्थि कलश सौंपे। 16 जुलाई को ब्लॉक अध्यक्ष अस्थि कलशों को स्थानीय लोगों के दर्शन और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद 17 जुलाई को नदियों में इन्हें प्रवाहित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश का कहर, सेंज के जोली नाले में आई बाढ़, घरों में घुसा मलबा, फसलें तबाह। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बारिश का कहर जारी है। सेंज घाटी की बलाहट 2 पंचायत के जोली नाले में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। बाढ़ का मलबा कई घरों में घुस गया। गुरुवार सुबह करीब 3 बजे अचानक पानी आने की आवाज़ सुनकर लोगों की नींद खुली। बारिश के बीच लोग अपने परिवार को साथ लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। गनीमत ये रही कि नाले ने अपना रुख गांव की ओर नहीं किया, बावजूद बाढ़ का मलबा कई घरों में घुस गया। बाढ़ से खेती को भारी नुकसान हुआ है, टमाटर, मक्की और राजमा की फसल तबाह हो गई है। सुबह के समय नाले में अचानक जलस्तर बढ़ जाने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। पंचायत के जीवनलाल, नरसिंह देव शर्मा, ठाकुरदास नेगी और गणेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह तड़के लगभग 3 बजे अचानक जोली नाले में बाढ़ आ गई। मुबारकपुर में माल ढुलाई को लेकर 2 यूनियनों में चली लाठियां, किसी का सर फूटा, किसी की टांग। 2 ट्रक यूनियनों के बीच चल रही वर्चस्व की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को एक बार फिर मुबारकपुर में माल ढुलाई को लेकर अंब भंजाल ट्रांसपोर्ट यूनियनों के बीच उपजा विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार को मुबारकपुर स्थित लिफ्टगार्ड उद्योग प्रबंधकों ने भंजाल स्थित शिवालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी को सामान ढुलाई के लिए गाड़ियों की मांग उठाई थी, लेकिन जब चालक उद्योग में जाने लगे तो इस बात की भनक अंब स्थित यूनियन के लोगों को लग गई। इसी बीच दोनों यूनियनों के चालकों के मध्य तू तू मैं हो गई और देखते ही देखते एक दूसरे पर लाठियां बरसना शुरू हो गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ, देखते रहे हिलक्विस्ट न्यूज़ चैनल, धन्यवाद। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वॉचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा, मेरा नाम है आशीष, ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज।